हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी रसोई। आज हम बनाने वाले हैं आम की चटनी। हाँ, कच्चे आम की चटनी जो सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलो बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये कच्चा आम लिया हुआ है, इसी की हम चटनी बनाने वाले हैं। लेकिन ये चटनी आज हम थोड़ी अलग तरीके से बनाएंगे। तो इसमें चटनी में हम प्याज, लहसुन और मिर्ची भी डालेंगे, तो ये चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आज की चटनी हम बनाने वाले हैं आम को भून के। तो मैंने आम, प्याज, लहसुन और मिर्ची सब कुछ भूनने के लिए रख दिया है। अभी इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। सही, इसको पलट पलट करके अच्छे से भून लेना है। मिर्ची जल्दी से जलने लग जाती है, इसको थोड़ा चम्मच से घुमा के ही जल्दी से पका के निकाल लेंगे। ये देखो, यहाँ पे मिर्ची पक चुकी है। मिर्ची मैंने निकाल लिया है, अभी बाकी के जो है वो भी धीरे धीरे मैं पका लूँगी। इसको ऐसे ही अलट पलट करते हुए हमें पकाना है ताकि वो चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। ये देखो, ये लहसुन भी हमारा पक चुका है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे ये प्याज भी पक चुके हैं, ये प्याज को भी मैं निकाल लेती हूँ। और आम को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पकने के लिए, इसको ऐसे ही अलट पलट करते हुए पकाऊंगी। ये देखो, यहाँ पे ये आम भी पूरा अच्छे से पक चुका है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और ये निकाल लेती हूँ। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसके छिलके निकाल लेंगे। तो ये छिलके ईजिली निकल जाते हैं। ऐसे ही हम पूरे प्याज, लहसुन और मिर्ची के छिलके निकाल लेंगे, बहुत इजीली निकल जाता है। ये प्याज हमारा साफ हो चुका है, ऐसे ही मिर्ची को भी ये ऊपर ऊपर से जो जला हुआ है वो निकाल लेंगे। ये लहसुन की कली भी अच्छे से पक चुकी है, अंदर से पूरी कलियां पक चुकी है। तो इसको भी मैं पूरा सेपरेट करके फिर एक एक लहसुन को छील लेती हूँ। ये भुना हुआ लहसुन प्याज चटनी में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखो, ये इजीली निकल जाता है। ऐसे ही पूरा लहसुन मैं साफ कर लेती हूँ। इसके साथ ही ये आम के छिलके भी मैं ऊपर से निकाल लेती हूँ। जितना भी जला हुआ है वो पूरा निकाल लेती हूँ, इजीली निकल जाता है ठंडा होने के बाद। अभी मैं ये मिक्सर की जार में ये लहसुन और मिर्ची मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके साथ ही ये जो प्याज है इसके मैं टुकड़े कर लूँगी, ये जला हुआ पार्ट चाकू से काट दूँगी। और इसके चार पांच टुकड़े करके इसमें मैं डाल देती हूँ। ऐसे ही चार टुकड़े करके इसमें डाल देती हूँ। इसको हमें पीसना है इसलिए मैं मिक्सी की जार में डाल रही हूँ। उसी तरह मैं आम के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ, इसको भी मिक्सी के जार में डाल दूंगी। ये चाकू से पूरे गुठली का जो ये है निकाल देंगे और मिक्सी में डाल देंगे। अभी हमें इसे पीसना है, तो इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखो, मैंने पीस लिया है, लेकिन इसमें नमक और शक्कर डालना मैं भूल गई थी, इसलिए अभी मैं इसमें नमक और शक्कर डाल देती हूँ और इसको एक बार फिर से घुमा लेती हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने ये पीस के ला लिया है, लेकिन इसको एकदम बारीक नहीं पीसा हुआ है। तो ये बन गई हमारे कच्चे आम की चटनी, बहुत ही टेस्टी लगती है, कलर भी बहुत मस्त आया हुआ है, खट्टी मीठी तीखी बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। गर्मी के दिनों में मुंह में टेस्ट नहीं रहती, खाना खाने की इच्छा भी नहीं होती। अगर ये चटनी रही तो एक रोटी कोई भी एक्स्ट्रा खा लेगा। तो आप भी ये रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।